और गर्भूर्ण जांच को लेकर पूर्वी सिंहभूम के तत्कालीन सिविल सर्जन के तरफ से अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों को दिए गए रजिस्ट्रेशन का विरोध करने वाली जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को हुई। आपको बताएं कि मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की कोर्ट में पूर्वी सिंहभूम के तत्कालीन सिविल सर्जन की तरफ से अल्ट्रासाउंड क्लिनिक को दिए गए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है और साथ ही कोर्ट ने आयुष्मान योजना के तहत गलत ढंग से तत्कालीन सिविल सर्जन के द्वारा अस्पतालों को दी गई मान्यता पर भी रोक लगाई है। मामले में कोर्ट ने तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर महेश्वर प्रसाद और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कुमार मनीष के द्वारा एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी 2020 में, उनमें तीन मुद्दे को उठाया गया था। एक तो था कि तत्कालीन सिविल सर्जन ने गलत तरीके से अल्ट्रासाउंड जो क्लिनिक है उनको रजिस्ट्रेशन दे दिया था, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट जो है 1974 का, उसके तहत, जबकि डीसी को पावर है, डिप्टी कमिश्नर को। और दूसरा ये कहना है मेरा कि उस समय भारत सरकार के द्वारा रजिस्ट्रेशन देने पर रोक लगी हुई थी रूल्स के तहत, उसके बावजूद भी अपने रिटायरमेंट से 3 दिन पहले इन्होंने इनको निबंधन दे दिया अल्ट्रासाउंड 47 अल्ट्रासाउंड क्लिनिक को। पूर्वी सिंहभूम जिले के सिविल सर्जन, पूर्व सिविल सर्जन महेश्वर प्रसाद द्वारा वर्ष 2020 में कई गलत ढंग से नियुक्ति की गई आयुष्मान भारत योजना के तहत 52 अस्पतालों को गलत ढंग से इम्पैनल कर दिया गया। लगभग 47 अल्ट्रासाउंड सेंटर को PCPNDT एक्ट के तहत गलत ढंग से डिस्ट्रिक्ट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी DC होने के बावजूद सिविल सर्जन ने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने लेटर पैड से सर्टिफिकेट जारी कर दिया। जबकि कोरोना काल में भारत सरकार का गजट प्रकाशित हुआ था जिसमें स्पष्ट आदेश था कि PCPNDT एक्ट के तहत 30 जून 2020 तक कोरोना लागू रहने, कोरोना होने के कारण आप न तो किसी अल्ट्रासाउंड सेंटर का निरीक्षण कर सकते हैं न उन्हें सर्टिफिकेट दे सकते हैं।